नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी जो आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों, आज लेके आए मैं राजस्थान पुलिस एग्जाम 2020 के लिए 25 अति महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्न लेके आया हूँ। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो प्रश्न लेके आता हूँ जो आपकी आने वाले प्रत्येक एग्जाम में इन्हीं वीडियो में से ज़्यादा प्रश्न रिपीटेड देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, उस पर शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूं। दोस्तों, आपके लिए मैं कंप्यूटर के और जनरल साइंस के पर्सन भी मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो आप उन वीडियो का भी बेनिफिट ले सकते हैं। किसी पर्सन में कोई त्रुटि हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे कि उस समस्या का समाधान किया जा सके। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो दोस्तों, कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए ऑप्शन है तन्नोट माता मंदिर जैसलमेर में, बी ऑप्शन है जगत शिरोमणि मंदिर टोंक में, सी ऑप्शन है तुजला भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ में, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि जगत शिरोमणि मंदिर टोंक में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है, यानी कि मेल कौन सा जोड़ा खाता है? ए ऑप्शन है थेवा कला जोधपुर में, बी ऑप्शन है उस्ता कला उदयपुर में, सी ऑप्शन है कुंदन कला जयपुर में, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कौन सा जोड़ा मेल खाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि कुंदन कला जयपुर में, और थेवा कला कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चरणी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? तो कौन सा है दोस्तों? ए ऑप्शन है मेवाड़ शैली, बी ऑप्शन है मारवाड़ शैली, सी ऑप्शन है हाड़ौती शैली, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि मेवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है और जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? तो कौन से वाद्य यंत्र में जुड़ा होता है दोस्तों? ए ऑप्शन है अलगोजा, बी ऑप्शन है रावण हत्ता, सी ऑप्शन है बफंगे, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि रावणहत्ता लोक वाद्य यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल एकम से आश्विन कृष्ण एकम तक, बी ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, सी ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल एकम से माघ कृष्ण अमावस्या तक, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाछा गुजरी, क्या है यहाँ पे, लाछा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? तो दोस्तों, किस लोक देवता ने उसकी सहायता की थी? ए ऑप्शन है बाबा रामदेव, बी ऑप्शन है तेजाजी, सी ऑप्शन है गोगा जी, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायें चोरी होने पर उसकी सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलार राजस्थान लोक गीत है जो खालिस्तान के अवसर पर गाया जाता है। तो दोस्तों, किस अवसर पर गाया जाता है? ए ऑप्शन है किसी को विवाह के लिए प्रस्ताव देने, बी ऑप्शन है गणगौर उत्सव, सी ऑप्शन है शिशु का जन्म होने पर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन,
यानी कि शिशु का जन्म होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करणी शतक, चुंडा शतक, हाड़ी शतक जैसी पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों इन पुस्तकों का लेखक कौन है? ए ऑप्शन है नाथू सिंह माहियारिया, सी ऑप्शन है मुरारी दान, सी ऑप्शन है सवाई सिंह दमोरा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि नाथू सिंह महियारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में दो कांस्य पदक जीते थे? तो दोस्तों किस खिलाड़ी ने जीते थे दो कांस्य पदक? ए ऑप्शन है अंकुर मित्तल, बी ऑप्शन है जीतू राय, सी ऑप्शन है ओम प्रकाश निठारवाल और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि ओम प्रकाश निठारवाल ने जीते थे दो कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम राजस्थान की मूर्तिकला के प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों किस जिले से प्राप्त हुई है? ए ऑप्शन अजमेर, बी ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, सी ऑप्शन है सिरोही और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इसका आंसर होगा अजमेर। तो अजमेर जिले से प्राप्त हुई है नाद की शिव प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म प्रमुख क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? ए ऑप्शन है बालोतरा, बी ऑप्शन है विराट नगर, सी ऑप्शन है सागवाड़ा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि विराट नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपासना है चरित्रम क्या है? तो दोस्तों क्या है ये? ए ऑप्शन है चित्रित ग्रंथ है, बी ऑप्शन है शिलालेख है, सी ऑप्शन है रथ है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि चित्रित ग्रंथ है, सुपासना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो दोस्तों कौन सा राजा प्रसिद्ध था? ए ऑप्शन है राणा सांगा, बी ऑप्शन है राणा कुंभा और सी ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर मर्द मर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? तो दोस्तों कौन है इसके लेखक? ए ऑप्शन है रूपक है, बी ऑप्शन है जयसिंह, सी ऑप्शन है रत्नाकर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? कौन सा कालानुक्रम सही है दोस्तों? ए ऑप्शन है समर सिंह, तेज सिंह, जेतर सिंह, बी ऑप्शन है जेतर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, सी ऑप्शन है जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा कालानुक्रम सही है दोस्तों? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि जेतर सिंह के बाद में आया तेज सिंह, तेज सिंह के बाद में समर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों किस शासक के समय में हुआ था? ए ऑप्शन है छेत्र सिंह, बी ऑप्शन है रतन सिंह, सी ऑप्शन है लाखा सिंह और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि लाखा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा ग्रंथ नहीं है दोस्तों कुंभा द्वारा रचित? ए ऑप्शन है संगीत राज, बी ऑप्शन है संगीत स्वपन, सी ऑप्शन है संगीत मीमांसा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि संगीत स्वपन। जो संगीत स्वपन है वह ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध वागड़ से नहीं है? तो किसका संबंध नहीं है वागड़ से? ए ऑप्शन है गंगादास का, बी ऑप्शन है गोपीनाथ का, सी ऑप्शन है कान्हट देव का और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि कान्हट देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों किस वर्ष हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म? ए ऑप्शन है 1540 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1535 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1530 ईस्वी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? तो दोस्तों किस किसान आंदोलन से था इन दोनों का संबंध? ए ऑप्शन है बिजोलिया किसान आंदोलन, बी ऑप्शन है मेवाड़ भील आंदोलन, सी ऑप्शन है अलवर का किसान आंदोलन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि अलवर का किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों किस वर्ष की गई थी? ए ऑप्शन है 1932 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1938 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1942 ईस्वी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुन्नीलाल व अमृतलाल पाइक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा है? तो दोस्तों किस आंदोलन से जुड़ा है? ए ऑप्शन है बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन, बी ऑप्शन है प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन, सी ऑप्शन है शाहपुरा प्रजामंडल आंदोलन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि प्रतापगढ़ का प्रजामंडल आंदोलन से संबंध है, चुन्नीलाल और अमृतलाल पाइक का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? तो दोस्तों कब हुआ था इसका उद्घाटन? ए ऑप्शन है 18 मार्च 1948 में, बी ऑप्शन है 30 जनवरी 1948 में, सी ऑप्शन है 20 फरवरी 1948 में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है? तो दोस्तों क्या है लाठी सीरीज? ए ऑप्शन है भूमिगत जल पट्टी, बी ऑप्शन है वन संरक्षण कार्यक्रम, सी ऑप्शन है सेवन घास पट्टी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि भूमिगत जल पट्टी है लाठी सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान कीजिए। इन ये चार कथन दिए गए, इनमें से गलत तथ्य कौन सा है इसकी पहचान करनी है अरावली पर्वतमाला के संबंध में। ए ऑप्शन है यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत में से एक है, यह भी सही है। बी ऑप्शन है इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, यह गलत है क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर है। और नेक्स्ट सी ऑप्शन है अरावली का अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है, यह भी सही है और पहला भी सही है। और दोस्तों यानी कि गलत कथन कौन सा है? बी ऑप्शन है। तो इसमें क्या करना था, गलत कथन का ही चयन करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 राजस्थान जीके के प्रश्न।
तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो पर्सन लेके आता हूँ जो आपकी आने वाले पढ़ते एग्जाम में इन्हीं वीडियो में से रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप पर शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।